Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be putting one such question that came in your JEE Main examination. This question came on 9th January 2020 shift 1. So 2020 ka question hai, jaldi se dekho question kya kehta hai. Okay, dimensional analysis ka question hai, jaldi dekho. A question, a quantity f is given by f is hc square by capital G, where C is the speed of light, G is universal gravitational constant and H is a Planck constant. ये सारे जैसे ही expressions given हैं तो आपको सब formulas दिमाग में आने चाहिए. G आपने कहाँ देखा है, H आपने कहाँ देखा है, ठीक है, C का क्या unit है, dimension है, ये सारी चीज़ें आपको expressions रहने चाहिए, तो आसानी से find out कर सकते हो. ठीक है, तो जल्दी से देखो, पहले बात करते हैं हम H की. H we know that E is equal to H nu के बराबर होता है ना, H into frequency. Energy of a wave is given by E is equal to H nu. यहाँ पे expression में गया है, so it would be equal to energy by is equal to H. Expression we already know, frequency क्या होता है, 1 upon time period के बराबर होता है. Although हमें सिर्फ dimension लगाना है, formula में put नहीं करना, सिर्फ dimension निकालने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो. Frequency होता है 1 upon time period के बराबर. तो H की value कितनी होगी, E into T, इसका dimension निकाल लो. Energy की dimension कितनी होती है, m L square T minus 2 multiplied by time. तो what you'll be getting, m l square t minus 1. So this is the expression for dimension for h. h की value कितनी आ रही है, m l square t minus 1. अगर आपको learn करना है तो आप सीधा directly h की value भी learn कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, memorize रख सकते हैं. नहीं आता तो आसानी से formula आपको आना चाहिए. Then comes your c. c is nothing but speed of light, l t minus 1. ये तो बिल्कुल simple है ना. And then comes your universal gravitational constant, capital G. Capital G, we know that gravitational force is given by G m1 m2 divided by r square. यही होता है. So G की value, G का unit कितना होगा, newton meter square by kg का whole square. तो newton meter square by kg का whole square, newton, ठीक है. तो force का dimension कितना होता है, m l t minus 2, है ना. So this is the dimension of force multiplied by meter का whole square, तो length का whole square, ठीक है, नीचे में m का whole square, तो आपका g की value भी आ जाएगी. तो g की value comes out to be m minus, okay, इससे ये cancel, m minus 1 t, okay, पहले आएगा l, so l comes out to be your l cube and t की value minus 2. देखो भाई, सबसे पहले इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू शुड रिमेंबर द डायमेंशन ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, और डिराइव क्वांटिटीज. जितने भी फिजिकल और डिराइव क्वांटिटीज हैं सबके डायमेंशन आप याद रखो. नहीं आता तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा किसी भी एक्सप्रेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो डायमेंशन. तो जल्दी से हम कैपिटल जी की वैल्यू लिखते हैं, डायमेंशन लिखते हैं, एम माइनस वन एल क्यूब एंड टी माइनस 2. This is the dimension that you are getting. अब हम पहले वाले फॉर्मुले में ये सारी चीजें पुट कर देंगे, ठीक है. तो f की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, इसको ले लेते हैं हम हाफ क्योंकि इट इज अंडर रूट. सो h की वैल्यू पुट करते हैं, सो m l स्क्वायर t माइनस 1, दिस एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग. एंड c की 5, तो l t माइनस 1 का 5, ठीक है. देन g की वैल्यू, सीधा डायरेक्ट g की वैल्यू यहां लिखी हुई है, m माइनस 1 l क्यूब एंड t माइनस 2, ठीक है. तो इसको सॉल्व करो, पहले अंदर फर्दर सॉल्व करो, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, m इस एक्सप्रेशन में नहीं है, सिर्फ इस एक्सप्रेशन में m वुड बी गो ओवर देयर, तो यू विल बी गेटिंग m स्क्वायर. ओके, l की वैल्यू कट रही है, देखो l मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना. l की वैल्यू आपकी ओके नहीं कट रही क्योंकि दिस वाज एल 5 5 6 7 7 5 6 7 7 में से 3 गया, तो यू विल बी गेटिंग 4. ये आ रहा है वैल्यू, है ना, क्योंकि दिस इज दिस टर्म वुड बी इक्वल टू एल 5 एंड टी की पावर माइनस 5. ये हो जाएगा. ओके, फर्दर अब टाइम को सॉल्व करो, टाइम वुड बी माइनस 5 प्लस 1, तो माइनस 6, और ये ऊपर गया तो टाइम की वैल्यू माइनस 4 हो गई, ठीक है. आई होप दिस एक्सप्रेशन इज क्लियर टू एवरीवन. ज्यादा इसमें कुछ करना है नहीं, इसका पावर कितना है, हाफ. तो अगेन एफ की वैल्यू कितनी होगी, ये हाफ गया, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, दिस एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग. ये किसका यूनिट है, किसका यूनिट हो सकता है, दिस कैन नॉट बी अ एरिया, दिस कैन नॉट बी वॉल्यूम, दिस कैन नॉट बी मोमेंटम.
ओके okay, नहीं मोमेंटम भी नहीं होगा. सो एनर्जी का तो ये डायमेंशन है. सो द राइट एक्सप्रेशन फॉर दिस द राइट एक्सप्रेशन फॉर इट वुड बी एनर्जी. सो एनर्जी की डायमेंशन होगी इसकी. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू.